कल 20 मई की रात्रि आए तूफान से बाग मालिकों को भयंकर नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तूफान जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में शुक्रवार को हुई भारी वर्षा और तेज आंधी के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में आम बेल्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का अनुमान है कि दशहरी और लंगड़ा आम की 60% फसल को नुकसान पहुंचा है। पौराणिक तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में पेड़ों पर आमियां लटकी हैं, जो शुक्रवार की रात को आंधी और वर्षा से टूटकर नीचे आ गिरी। किसानों ने क्षतिपूर्ति की मांग की है। गढ़मुक्तेश्वर और बहादुरगढ़ क्षेत्र से भारत भूषण गर्ग की खास रिपोर्ट। कल 20 मई की रात्रि आए तूफान से बाग मालिकों को भयंकर नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तूफान से कितनी बड़ी आम की क्षति पहुंची है। लगभग 50-60% आम जमीन पर आ गया है। पेड़ खाली खाली लगने लगे हैं। जिन पेड़ों पर आम था वह सब पेड़ों पे से नीचे आ गया है। इस बार आम की फसल पहले से ही कमज़ोर थी और इस बार भाव के आधार पर ही मालिक को लाभ होने वाला था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति ये आम मालिकों को पहुंची है। ज़बरदस्त तूफान, और इस तूफान के कारण से जो यह क्षति पहुंची है यह अकल्पनीय है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका ऑडिट कराकर किसानों को इसका मुआवजा दिलाया जाए। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नुकसान। कल 20 मई की रात्रि आए तूफान से बाग मालिकों को भयंकर नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तूफान से कितनी बड़ी आम की क्षति पहुंची है। लगभग 50-60% आम जमीन पर आ गया है। पेड़ खाली खाली लगने लगे हैं। जिन पेड़ों पर आम था वह सब पेड़ों पे से नीचे आ गया है। इस बार आम की फसल पहले से ही कमज़ोर थी और इस बार भाव के आधार पर ही मालिक को लाभ होने वाला था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति ये आम मालिकों को पहुंची है। ज़बरदस्त तूफान, और इस तूफान के कारण से जो यह क्षति पहुंची है यह अकल्पनीय है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका ऑडिट कराकर किसानों को इसका मुआवजा दिलाया जाए। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नुकसान।